नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। अप्रैल महीने की गर्मी ने देश भर में 122 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बता दें कि भीषण गर्मी से इस वक्त देश भर के लोग परेशान हैं, तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से लगातार येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो देश के मध्य हिस्सों में जो पारा है वो 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसको लेकर लोगों की परेशानी तो बढ़ी ही है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं, राज्य हैं, जहां पे लू को लेकर चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। ऐसे में अगले आने वाले दिनों में मई और जून के महीने में गर्मी का क्या हाल रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। और साथ ही साथ इस बार की गर्मी ने किस तरह से 122 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है ये भी आपको बताते हैं। बता दें कि इस साल मई जून की गर्मी मार्च अप्रैल में ही आ गई है। मार्च महीने में ही गर्मी की शुरुआत हो गई है और अप्रैल में तो इसने प्रचंड रूप ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल में देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जो तापमान दर्ज किए जा रहे हैं उसने पिछले 122 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि मई महीने में दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात में सामान्य तापमान होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि हमने देखा है कि पिछले दो महीने में देश के मध्य हिस्सों में तापमान सामान्य तापमान से अधिक रहा है। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक ये कहा गया है कि पिछले 122 सालों में इस बार अप्रैल के महीने में देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्से में सबसे ज्यादा तापमान बढ़ा है। उन्होंने बताया है कि देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में 35.90 और मध्य हिस्से में 37.78 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ऐसे में IMD के अनुसार देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी सूरज अपना सितम दिखा रहा है। यहां तापमान बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का तापमान अभी 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार अभी राज्य के अनेक जिलों में दिन का तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जब तापमान 40 के ऊपर चला जाता है तो हम इसे लू मानते हैं। ऐसे में भोपाल में हवा के कारण आज एक और जो तापमान है वो बढ़ने की जानकारी दी गई है। तो बता दें कि इस बार अप्रैल के महीने में ही देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसको लेकर लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जो लू के चपेट में आ चुके हैं, जिसको लेकर सावधानी बरतने की बात भी मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। लेकिन इस बीच बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। सामान्य से अधिक बारिश होने की बात मौसम विभाग ने कही है और यही वजह है कि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो 122 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।